तो अभी हम लोग सारा रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो यही देखना है कि व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन एंड देयर पार्ट्स। तो बायोलॉजी का जो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शनल और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, इस ब्रांच को बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें कई सारे सिस्टम्स काम करते हैं सच एज रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल। व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल तो मैं पिछले 3 बार से दे चुकी हूँ कि अगर हम खाना छोड़े तो 3 वीक तक, पानी छोड़े तो 2 वीक तक, और अगर हवा छोड़े तो 3 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस टॉपिक के बारे में देखें कि अगर हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी देखें, तो अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखें जिसमें हमारा पंपिंग सिस्टम आता है, ब्लड का रोटेशन का सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम, तो वो भी एज मच इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें उन सभी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर होते हुए, हमें उन सब के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कि हम उसके रिगार्डिंग अपना पर्सपेक्टिव बना सके कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको उसके साइन एंड सिम्टम से अक्वायर कर सको कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर आपको डेप्थ से इस टॉपिक के बारे में पता होगा तो आप सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली फेस कर सकते हो और देख सकते हो। उसके बाद में है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन मेजर फंक्शंस हैं उनको मैं रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। दैट इज द प्रोवाइड एक्सटेंसिव सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड सर्कुलेटिंग ब्लड। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में है और हमारा जो गैस एक्सचेंज है, उन दोनों को अपना परफेक्ट स्पेस प्रोवाइड करवाने के लिए आता है, ताकि आप उसमें इजीली एक्सपायर और इंस्पायर कर सकें। मूविंग एयर टू एंड फ्रॉम द एक्सचेंज सरफेस ऑफ द लंग्स अलोंग रेस्पिरेटरी पैसेजवे। जो हमारा एयर एक्सचेंज है सरफेस के साथ में, उसका लंग्स के साथ में पैसेजवे मिलते रहना, उसको रास्ता मिलते रहना, ताकि वो जो एयर है वो ट्रेवल कर सके, ताकि वो एक्सचेंज हो सके। Then we have a protecting respiratory surface from dehydration, temperature changes or other environmental variation and defending the respiratory system and other tissues from invasion by the pathogens. जो हमारा respiratory systems है या फिर जो हमारे lungs है, उनको protection में रखना और उनको dehydrate होने से बचाना, और उनके साथ में जब भी हमारे environmental के temperature changes होते हैं उसके साथ में उसको कोप अप करना, या उसके उसको उस कंडीशन के लिए मॉडिफाई करते हुए रखना और डिफेंड करना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में, ताकि अगर बाहर से कोई पैथोजन उसमें एंटर करना चाहे तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, ताकि वो पैथोजन जो है वो अंदर नहीं रह सके, वो वापस बाहर चला जाए। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी इसके साथ में चलता है। देन प्रोड्यूसिंग साउंड इन्वॉल्व इन स्पीकिंग, सिंगिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद में हमारे पास में है साउंड सिस्टम, जो कि हमारा वोकल सिस्टम है, और उसका कोरिलेशन भी आपके इसी के साथ में, क्योंकि आपका जो लैरिंग्स है वो ट्रेकिया के पास में है, और उसी वजह से आप जो है बात कर पाते हैं, आवाज़ निकाल पाते हैं, और उसमें भी आपका एयर ट्रांसमिशन जरूरी है। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसिलिटेटिंग द डिटेक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेसल कैविटी। जो हमारा स्मेल करने का सेगमेंट आता है जिससे हम स्मेल करते हैं, दैट इज द ऑल्फैक्टरी, एंड इसके लिए आपका फेस, जो फेस में हमारे पास में 12 टाइप का नर्व सिस्टम रहता है, उन नर्व्स में से एक नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व, और उसी नर्व की एक्टिविटी की हेल्प से आप जो है स्मेल करना सेंस कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये नेसल कैविटी के अंदर रहता है, जो कि आपका ब्रीदिंग सिस्टम का एक पार्ट है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसमें पार्ट लेती हैं और उनको हेल्प आउट करती हैं। दीज आर, लुक एट द डायग्राम, यू कैन इजीली विजुअलाइज कि सबसे पहले हमारे पास में है नोस, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स। दिस इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज द अपर एंड सेकेंड वन इज द लोअर। Then we come to the lower respiratory tract, जिसमें आपके पास में है left lung, right lung, thoracic cage, जो कि उसकी covering है, trachea, जिसमें उसका exchange चलता है, moving pathway मिलता है उसको, bronchi and the thoracic cavity, diaphragm,
ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाइज। एल्वोलाइज और ब्रोंकियोल्स ये स्मॉलर यूनिट्स के अंदर आ जाते हैं ब्रोंकाई की, और थोरेसिक कैविटी जो है जिसके अंदर फ्लूइड रहता है जिसकी वजह से आपका जो लंग्स है वो प्रोटेक्टिव रहता है। डायफ्राम है जो कि डोम लाइक स्ट्रक्चर है दोनों लंग्स के नीचे, और उसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आपका जो लंग है वो एक्सपेंड और श्रिंक करता है जिससे आपका गैसेस एक्सचेंज इजी रहता है। उसके बाद में हमारे पास में है मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। जो मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है विच आर स्पैन द नेसल कैविटी टू द डायफ्राम। टोटल अगर नेसल कैविटी से शुरू किया जाए तो एंड हमारा डायफ्राम तक होगा। वो जो सारी स्ट्रक्चर्स उसके बीच में आती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट और मेजर रेस्पिरेटरी रोल प्ले करती है। दीज आर नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, राइट मेन ब्रोंकस, राइट लंग, पैरिंग्स, ट्रेकिया, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट लंग, डायफ्राम। ये सारी स्ट्रक्चर्स हम पहले भी देख चुके हैं। आई हैव विजुअलाइज्ड यू कि अगर आप इसको फील भी करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आप फील कर सकते हैं। डायफ्राम फील कर सकते हैं, अपना वोकल कोड फील कर सकते हैं, ट्रेकिया आपको दिखाई दे जाता है, और अपना लंग्स आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं अपनी बॉडी के अंदर, और ये जो है यही मेजर रोल प्ले करती है आपके गैसियस एक्सचेंज में। देन वी हैव जोन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन से जोन में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रोल प्ले करता है वो कौन सा जोन है? वो जोन है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एल्वोलाई। एल्वोलाई के बाद में आपका एल्वोलाई कहाँ से अब शुरू से अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से शुरू होता है? कंडक्टिंग जोन से, जिसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आते हैं, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकियोल्स आता है, और उसके बाद में उनके जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट है वो आते हैं एल्वोलाई। तो यहाँ पर आपका गैसियस एक्सचेंज का जो फंक्शन है वो टेक पार्ट होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कितने पार्ट्स हैं? दैट इज नोज, नेसल कैविटी, पैरासेनल साइनसेस एंड द फैरिंग्स। ये सारी जो है फंक्शनलाइज करती है जिससे आपका जो एयर है, एनवायरमेंटल एयर है, वो ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द लंग्स। देन वी हैव अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें आपके पास में है लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स, एल्वोलर एपिथेलियम एंड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये जो सारे लोअर पार्ट है जो आपके गले से नीचे तक के हैं, और उसमें आपका एयर जो ट्रांसमिशन जो ऊपर से एनवायरनमेंट से आता हुआ आपके नेसल कैविटी से क्रॉस करता हुआ जब आपके ट्रैकिया तक पहुंचता है, और ट्रैकिया से वो आगे लंग्स तक सप्लाई करता है वाया ब्रोंकियल ट्री, और उसके बाद में लंग्स फंक्शनलाइज होते हैं, और उसके बाद में आपके एल्वोलाइज की जो एपिथेलियम लेयर है उसकी वजह से आपका जो एयर एक्सचेंज होता है वो एयर एक्सचेंज किसके साथ में होता है? जो आपका ब्लड है और जो एनवायरनमेंट से आया हुआ एयर। और इसके बारे में भी हम आगे बात कर चुके हैं कि ये चेंजेस कैसे आते हैं, ये प्रेशर की वजह से आते हैं। देन वी हैव अ लंग्स। सबसे पहले ग्रॉस दिस इज एनाटॉमी में भी आपके पास में ये सब्जेक्ट आएगा, तब भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको पहले ये देखना होता है कि जो लंग है वो राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है। कैसे पता चलता है? उसके लोब्स की काउंटिंग की वजह से पता चलता है, और दूसरा एक नॉच होता है जो कार्डियक नॉच है, उससे पता चलता है कि ये लेफ्ट साइड का लंग है या राइट साइड का लंग है। देन फर्स्ट वी हैव अ राइट साइड का लंग। इसमें तीन पार्टीशन रहते हैं और दो फिशर रहते हैं। अगर किसी एक बड़े पार्ट को आपको डिवाइड करना है तीन हिस्सों में तो आप उसमें दो पार्टीशन करेंगे। अब उसके बाद ये जो पार्टीशन है ये फिशर्स हैं, और सबसे पहले इसमें आता है सुपीरियर लोब, देन वी हैव मिडिल लोब एंड देन इंपीरियर लोब। और लेफ्ट साइड के लंग के अंदर आता है आपके पास में सुपीरियर लोब एंड इंपीरियर लोब, दो ही लोब्स आते हैं। आपका इसमें ट्रांसमिशन आप देख रहे हो ट्रेकिया से चलता हुआ, वो मेन ब्रोंकस से आता है, और मेन ब्रोंकस से लोबर यानी कि लोअर ब्रोंकस में आधा डिवाइड हो जाता है, फिर टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और आप साइड में इसका एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं इस तरीके से। वो स्ट्रक्चर आपका हार्ट की स्ट्रक्चर के लिए स्पेस है जहाँ पे आपका हार्ट आके सेटल होता है। और उसके बाद में हमारे पास में है रेस्पिरेटरी जोन। अब आपको ये मेन स्ट्रक्चर दिखाई गई है दोनों तरीके से कि किस तरीके से ब्रोंकियल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज करते हैं अपने साथ में। सबसे पहले आपके पास में टर्मिनल ब्रोंकियल्स है, वहां से स्मूथ मसल्स आती हैं, और उसके बाद में वो डिवाइड हो रही है एल्वोलर सैक्स में। एल्वोलर डक्ट जो है वो आगे आती है, एल्वोलर पोर्स है इसके अंदर। ये पोर्स जो है यहाँ पर आपका एक्सचेंज शुरू होता है, और एक्सचेंज शुरू होता है वो आप लेफ्ट साइड की स्ट्रक्चर राइट साइड की स्ट्रक्चर में देखोगे कि इस तरीके से आपका
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो वेसल्स है वो एक दूसरे में कंबाइन रहती है, और सबसे पहले जो ब्लू वाली आ रही है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी. दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अनदर वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड रेस्पिरेटरी. उसके बाद में ये एल्वोलाइज की स्ट्रक्चर के ऊपर आप देखोगे कि कवरिंग ले रखी है इन लोगों ने, कैपिलरीज की फॉर्म में आ गई है ये पतली पतली, और उसके बाद में यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड पीएच. उसके बाद में हमारे पास में है स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी जोन. अब जो स्ट्रक्चर है आपका रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, उसमें आपको एल्वोलाई की स्ट्रक्चर को और ज्यादा जूम करके दिखाया गया है, जिसके अंदर एल्वोलस है और एल्वोलर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, कैपिलरीज दिखाई दे रही है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, टाइप 1 एल्वोलर सेल मैक्रोफेजेस और एल्वोलस गैस फिल्ड जो एक्रोफेजेस है एल्वोलस है वो आपको दिखाई दे रहा है. ये आप इजीली इस पिक्चर के अंदर विजुअलाइज कर सकते हो. दूसरी जो है वो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है, उसकी भी सारी स्ट्रक्चर आपको विजिबल है, वो भी आपको दिखाई जाएगी एनाटॉमी की क्लासेस के अंदर. जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आपको हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स भी दिखाई जाती है. उसके बाद में हमारे पास में है एयर पाथवे थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज. जो हमारा ट्रेवलिंग है वो किस रूट से चलता है उसको दिखाया गया है. तो हमारे पास में सबसे पहले है मेयर्स, नेसल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वोलर डक्ट एंड एल्वोलर सैक्स. ये सारा हमारा जो रूट चलता है, इसी रूट की हेल्प की वजह से आपका जो ब्लड का ब्लड के साथ में एक्सचेंज बनता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो चलता है. देन वी हैव अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. अब प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग के अंदर हम लोग देखते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन. इसमें भी तीन पार्ट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एल्वोलर प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, एल्वोलाइज के अंदर जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो हमारे लंग्स के सराउंडिंग कैविटी है उनका प्रेशर. डायग्राम के अंदर इजीली विजुअलाइज किया हुआ है आपको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर और रिलेशनशिप. इनमें सब में आपका आप पहले से भी देख चुके हो कि हमारा जो 760 है और 756 mmHg का जो प्रेशर है उसमें 4 mmHg का डिफरेंस है, जिसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा गैसियस एक्सचेंज का प्रोग्राम है वो चलता है, और वो कम से ज्यादा और ज्यादा से कम दोनों को मिनिमाइज करने के लिए चलता है. और ये इसलिए चलता है क्योंकि हमारा जो न्यूट्रल कंडीशन है जिसके अंदर दोनों के अंदर प्रेशर सेम रहे वो रेस्ट फेज आता है, जो ब्रीदिंग के अंदर हम रेस्टिंग फेज लेते हैं उसका. तो हमारा ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसमें कैसे कैसे आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो चलता है. उसके बाद में इसको हेल्प करने के लिए हमने देखा था बॉयल स्लो, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज होता है. ये हम बॉयल स्लो देख चुके हैं जिसका फंक्शन इसी के साथ में चलता है. उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि रेस्टिंग फेज के अंदर और इंस्पिरेशन फेज के अंदर और एक्सपिरेशन फेज के अंदर ब्रीदिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे चल रहा होता है. अब इसके अंदर हम लोगों ने डायफ्राम के मूवमेंट्स के साथ में और जो हमारी मसल्स हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उनकी हेल्प के साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं और एयर को इन करने के लिए और एयर को आउट करने के लिए हेल्प करते हैं. उसके बाद में हमारे पास में जो प्रेशर का मेजरमेंट है, जिसमें हम लोगों ने प्रेशर के साथ में उसको कोरिलेट किया था कि आप अगर हमारे लंग्स को नॉर्मल जो न्यूट्रल फेज है जिसमें आपका रेस्टिंग फेज चलता है उसमें कितना रहता है, दैट इज द 760 760, और इंटरप्लूरल जो है वो 756 रहता है. उसके बाद में आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का फेज दिखाया गया है, जिसमें जब लंग्स को एक्सपैंड करना होता है इंस्पिरेशन के लिए और उसके अंदर एयर इन आती है, तब आपका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो 760 रहेगा, लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो 758 था, इसकी वजह से बाहर से एयर अंदर आ गई. और इसी का ऑपोजिट एक्सपायरेशन है, अगर इंट्रापल्मोनरी जो है वो 762 था तो वो बाहर की तरफ एक्सपेल करती है एयर को और CO2 बाहर चली जाती है. उसके बाद में हम लोगों ने जो फंक्शन था
फंक्शनल एबिलिटीज जो थी लंग्स की, प्लूरल कैविटी की, वो किस डिपेंड करती है, उन सब चीज़ों को देखा था और एयर मूवमेंट को देखा था। तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर इंट्रापल्मोनरी और एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल है, सेम है, देयर वुड बी नो मूवमेंट, वहाँ पर लंग्स के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अगर इंस्पिरेशन है तो इंस्पिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एयर कम्स इनटू द लंग्स। इसका ऑपोजिट एक्सपिरेशन में चलता है, इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्सेस, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल, लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस टू अबव एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एयर फ्लो आउट ऑफ द लंग्स। ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोटोकॉल के साथ में आपका जो है लंग्स के अंदर आना और बाहर जाना एयर का ट्रांसमिशन से है। अब हमारे पास में हम लोग इसमें देखते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या क्या चलता है। तो इंस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले आपका नॉस्ट्रल से एयर इन गया, थोरेसिक कैविटी में गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उन्होंने एक्सपेंड किया, डायफ्राम जो है वो फ्लैटन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और दूसरी टाइम में जब आप एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सपायर करते टाइम जो डायफ्राम था वो कर्व फेज में आ गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स कर गई, थोरेसिक कैविटी है वो रिड्यूस हो गई और जो एयर है वो बाहर की तरफ आ गई। देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हमने ये सारी वॉल्यूम्स पढ़ चुके हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सारी वॉल्यूम्स वो वॉल्यूम्स है जिसमें हम लोग लंग्स की कैपेसिटीज को देखते हैं और अपनी ह्यूमन कैपेसिटीज को देखते हैं कि हम कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मली और कितना एक्सपायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। इंस्पिरेटरी के अंदर हम लोग मैक्सिमम फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम के बाद में कितना एयर अंदर ले सकते हैं, एक्सपिरेटरी में हम लोग नॉर्मल ब्रीद आउट के बाद में कितना एक्सपेल कर सकते हैं एयर को, और रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज जो हमारे लंग्स के अंदर एवरी टाइम प्रेजेंट रहती है और उससे कम नहीं जाती है हमारे लंग्स के अंदर। तो इसके साथ में हमारा ये जो चार्टिंग दिया हुआ है ये सब हम देख चुके हैं कि कैसे हमारा जो लंग्स है उसके अंदर कितना एयर आता है ह्यूमन में, ह्यूमन के अंदर और दोनों जेंडर्स के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर कितना कितना डिफरेंस रहता है। ये चार्टिंग है इसकी, अगेन आपका इसका डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट कि कौन सी वॉल्यूम के अंदर कितना मेल और फीमेल के अंदर कितना रहता है। उसके बाद में हमारे पास में है पार्शियल एंड टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस। ये जो प्रेशर है इसके इसमें अगर किसी भी दोनों टाइप की गैसेस को मिला भी दिया जाए तब भी उनका प्रेशर उन दोनों के अंदर जितना था उतना ही बनता है। से फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन अगर 159 mm Hg पे था और नाइट्रोजन 593 पे था, तो एक कंटेनर के अंदर अगर हमने दोनों को फिल किया है तो उनका टोटल प्रेशर 752 mm Hg हो जाएगा। ये तीनों लॉज हैं जो हम लोग देख चुके हैं, बॉयल्स लॉ, हेनरी लॉ एंड डाल्टन लॉ। उसके बाद में हमारे पास में है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे पास में तीन फिनोमिना रहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ये तीनों भी हम लोग देख चुके हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन विच मीन्स ब्रीदिंग द एक्सचेंज बिटवीन एटमोस्फेयर एंड द लंग्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड, इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। क्योंकि टिश्यूज जो है हमारे वही आपका एनर्जी जो है यूटिलाइज करते हैं, वही ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके आपका फंक्शन देते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो अगर हम नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं विदाउट एक्टिविटी, हम लोग नॉर्मल अगर स्लीपिंग मोड में है या फिर लाइंग डाउन है, जब हमारा मसल जो है वो वर्क एफर्टलेस एफर्ट्स नहीं है हमारे, उस टाइम में क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन जो लेकर आता है 100% ही लेकर आएगा वो, लेकिन जो हमारे टिश्यूज है उसमें से सिर्फ 25-30% ही लेते हैं, बाकी का वापस छोड़ भेज देते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं होती। बट से फॉर द इंस्टेंस की अगर आप लोग एक्टिविटी करने लगे, आप एक्सरसाइज करने लगे, तब क्या होगा, एक्सरसाइज अगर हम करने लगे हैं तो हमारी जो मसल्स की डिमांड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको परफॉर्म करना है, उसको एनर्जेटाइज करना है बॉडी को। तो उस टाइम में क्या होता है, जब वो हीमोग्लोबिन लेकर आता है आपका पास में ऑक्सीजन, तो आप उस पर से 80-85% ऑक्सीजन लेते हैं। अब उस ऑक्सीजन को लेकर आप CO2 एक्सचेंज करते हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन लेवल है ये कहाँ पे चल रहा होता है, ये आपका टिश्यूज के बीच में और ब्लड के बीच में चल रहा होता है, विच इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इसका पिक्चर आप देख सकते हो,
पहले आपके पास में सबसे पहले पल्मोनरी सर्किट दिखाया गया है, जिसके अंदर एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच की प्रोसेस है, जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है। उसके बाद में आपका दूसरा सिस्टम है सिस्टेमिक सर्किट। सिस्टेमिक सर्किट के अंदर आप लोगों ने देखा था कि इसमें लंग्स और ब्लड के बीच में कैसे आपका जो CO2 एंड O2 का एक्सचेंज है वो चलता है। इस डायग्राम में आपने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे चलता है, कैसे आपका हीमोग्लोबिन जो है वो डिटैच कर जाता है और अपने साथ में CO2 लेकर उसको डिटैच करके एल्वोलाइज की तरफ छोड़ देता है और वहां पर जो O2 आया हुआ था उसको अपने साथ में मिक्स करके ले चलता है। इसके बाद में आपने देखा था इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर भी आपने यही देखा था कि कैसे टिश्यूज जो है वो CO2 निकाल रहे हैं और वो डिटैच होके एक ब्लड प्लाज्मा की तरफ उसके तरफ जा रहा है, जहाँ से उसको हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होना है और यहाँ से O2 जो है वो डिटैच होके जो आपके मसल्स हैं और टिश्यूज हैं उनके अंदर इनसाइड में जा रहा है। ये आपका इंटरनल के लिए स्ट्रक्चर था। इसमें आपका इंटरनल रेस्पिरेशन दिखाया था कि पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया था कैसे एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर आया, लंग्स से ब्लड के अंदर गया, ब्लड से एल्वोलाइज की तरफ होते हुए टिश्यूज तक पहुंचा और फिर टिश्यूज ने CO2 जो दिया था वो वापस रिटर्निंग प्रोसेस के अंदर सेम टू सेम कैसे बाहर की तरफ गया। अब है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब तक जो हमने देखा था वो सारा हमारा रिकैप्चुलेटिंग था, इतना हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर हम लोग ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस स्टार्ट करते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, उसमें नॉर्मल जब हम एक रिलैक्सिंग फेज में बैठे हैं उस टाइम में हम टोटल अमाउंट ऑफ एयर जितना हम इनसाइडली मतलब इंस्पायर करते हैं और जितना हम एक्सपायर करते हैं वो हमारी कैपेसिटी रहती है वाइटल कैपेसिटी, कि हम लोग कितना एयर को अंदर ले सकते हैं और कितना एयर को हम बाहर छोड़ सकते हैं। अगर इसमें हम अमाउंट की बात करें तो एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए दोनों में सेम रहता है 500 ml और 500 ml, इतना ही एवरेज वॉल्यूम होता है एयर का जितना कि एक्सचेंज किया जा सकता है नॉर्मली। जब हम मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज में होते हैं, कुछ खास ज्यादा नहीं कर रहे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर आपको मेन स्ट्रक्चर सबको पता है कि आरबीसीज के अंदर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक ऐसा टाइप का प्रोटीन है जिसके अंदर आपका आयरन लगा रहता है 4 फेजेस पे, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को अपने पास में अटैच करवाता है और ट्रेवल करता है। और इसी का लेवल HB लेवल जो है हम लोग जनरली ब्लड टेस्ट के जब भी कभी करवाते हैं तो इसी के लेवल से हम पता चलाते हैं कि जो पेशेंट है वो एनीमिक तो नहीं है या लोअर मतलब माइल्ड एनीमिया के फेजेस रहते हैं, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर। तो इसके लेवल को डिटेक्ट करके हम पता लगाते हैं कि जो पेशेंट है वो किस फेज में चल रहा है, क्योंकि इसी यही वो एक चीज है जो कि इन दोनों को CO2 और ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है, ये इनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इनको अपने साथ में अटैच करके आगे की तरफ ले जाता है। आप इसकी स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, ईच ऑफ विच कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन
एक हीमोग्लोबिन है, उसमें जो आयरन के यूनिट्स हैं और उस वही यूनिट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को अपने साथ में या फिर CO2 को अपने साथ में अटैच करते हैं। अब हमारे को एग्जैक्टली आपको ये जो फेज है इसको दिखाया गया, आप इसको जूम करके देखेंगे। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑन हीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट्स। जो हमारे RBCs है उनके अंदर किस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन था वो उसके पास में आया, उस पर अटैच हुआ और उसके बाद में डिटैच हुआ, ये पूरा फिनोमिना इसके इस पिक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया गया। तो अब आप क्लोजली आप जूम करके देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखो कि इसके स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीजें दिखाई गई है। सबसे पहले हमें एल्वोलस दिखाया गया है, उनके पास में पड़े हुए O2 के एलिमेंट दिखाए गए हैं कि ये O2 है। फिर आपको पल्मोनरी कैपिलरीज दिखाई दी जा रही है, आपको पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर एरिथ्रोसाइट्स दिख रहे हैं, एरिथ्रोसाइट। और एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर वाली तरफ जब आप देखोगे HbO2 यानी कि हीमोग्लोबिन O2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब आप इस प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि ड्यूरिंग लोडिंग जब आप ऑक्सीजन को लोड कर रहे हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाइट बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन इन द पल्मोनरी कैपिलरीज कन्वर्टिंग इट टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जैसे ही एल्वोलाइज के पास में से O2 जो था वो आपकी एरिथ्रोसाइट या ब्लड सेल्स के पास में आया, उसमें प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ में उसने अपने आप को अटैच किया एंड दैट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इसका कन्वर्जन होना ये हमारा फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज अब आप देखिएगा, सेकंड फेज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड, जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ट्रेवल्स टू द हार्ट, हार्ट के पास में जाता है विच पंप्स इट टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जो है हमारे पास में जो हमारे लेफ्ट हमारे पास में हार्ट के पास में चार चैम्बर्स रहते हैं, चार चैम्बर्स में दो एट्रियल्स रहते हैं जो ऊपर की तरफ रहते हैं, दो नीचे वेंट्रिकल्स रहते हैं। अब वो चार जो पार्ट है आपका एट्रियम और वेंट्रिकल का वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जो इस तरीके से बीच में मतलब चार पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो इस तरीके का लेफ्ट साइड का है वो है लेफ्ट साइड का एट्रियल, नीचे लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, इधर राइट साइड का एट्रियल और राइट साइड का वेंट्रिकल। अब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका जो ट्रेवलिंग प्रोसेस है, ट्रेवलिंग प्रोसेस उसका लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से स्टार्ट होता है यानी कि लेफ्ट एट्रियल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपके जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियल्स में छोड़ते हैं, वहां से वो पंप करके उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में से छोड़ता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। अब आप जो नीचे वाला फेज है वो हम फोर्थ फेज है, वो हम आते हुए टाइप में पढ़ेंगे जब हम वापस की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हर्ट से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंच गया। अब आप थर्ड फेज को जूम करिएगा, तब आप देख रहे हैं कि जो आपने सिस्टेमिक कैपिलरीज जो थी उनके अंदर HbO2 था मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन था, वो कैसे टिश्यूज के पास में गया और वहां पर जाकर वो छूट गया, फ्री हो गया और अपने जो हमारा थर्ड सेगमेंट है, थर्ड सेगमेंट के अंदर हमारे पास में आप अनलोडिंग प्रोसेस देख रहे हैं जिसमें हीमोग्लोबिन जो है सिस्टेमिक कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन को टिश्यूज के लिए रिलीज कर रहा है। अब रिलीजिंग प्रोसेस के अंदर आप देखोगे कि आप एरिथ्रोसाइट्स के पास में से जो O2 था वो रिलीज होके टिश्यू सेल्स के पास में जा रहा है और टिश्यू सेल्स उसको कंज्यूम कर लेंगे। अब जो कंज्यूमिंग का जो प्रोसेस है कि टिश्यू सेल्स के पास में कितना अमाउंट ऑफ O2 गया ये हम आगे भी देखेंगे, जितना उनको जरूरत था उतना ही O2 गया था। अगर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ O2 अगर आपका एरिथ्रोसाइट लेके आया ब्लड के साथ में, तो अब वो 100 का 100 टिश्यूज के पास में नहीं जाएगा। अगर टिश्यू रिलैक्सिंग फेज में है तो उसे सिर्फ 30% ऑफ O2 चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। अब बाकी का नहीं चाहिए तो जबरदस्ती ब्लड जो है उसको O2 नहीं देगा, वो उसको 30% मतलब उसको 30 मॉलिक्यूल्स का नेट था, वो उसको 30 मॉलिक्यूल देगा O2 के और आगे ट्रेवल कर जाएगा। और अगर ये एक्सरसाइज का फेज होता तो उसे 80 मॉलिक्यूल या 85 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती, तब वो उसको 80 और 85 मॉलिक्यूल्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये प्रोसेस जो है उसका
इसमें उसका अनलोडिंग हो जाता है O2 का टिश्यूज के लिए। उसकी की रिटर्निंग फॉर्म के अंदर जैसे आपका O2 जो है वो अगर उसके साथ में डिटैच हो गया, उसके बाद में आपका जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है रिटर्न्स टू द हार्ट विच पम्प्स इट बैक टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जैसे ही आपका जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रेवल करता है तो वो ट्रेवल करके ब्लड से आपका राइट साइड ऑफ द एट्रियम और वेंट्रिकल के पास में जाता है। हार्ट के राइट साइड में वो राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल में पंप आउट होता है और वहां से पंप आउट होकर डायरेक्टली वो लंग्स के पास में जाता है और लंग्स में जाके वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देता है और फिर उसके बाद में अगेन उसका डीलोडिंग होता है और जो CO2 बनता है लंग्स के पास में वो एक्सपेल आउट टू द एनवायरमेंट हो जाता है। ये प्रोसेस जो है इसके अंदर आपका लोडिंग और अनलोडिंग चलता है। इसके बाद में हम एक पैराबोला ग्राफ देखेंगे। अब आप इसके अंदर ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ जो है वो आपके पास में किन सब चीजों का ग्राफ है। ये ग्राफ है जो आपका प्रेशर से रिलेटेड ग्राफ है कि कैसे आपका प्रेशर के साथ में ऑक्सीजन और CO2 जो है वो एक्सचेंज होता है और इसके साथ में आप लोगों को इसका पीएच लेवल देखना होता है कि किस पीएच लेवल के अंदर, जब आपका एसिडिक पीएच लेवल है या बेसिक पीएच लेवल है। अगर आपका एसिडिक पीएच लेवल रहता है जिसके अंदर सेफ, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जो टिश्यूज है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड जो एसिडिक बनाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बॉडी जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन ज्यादा लेगी अपने पास में, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो डिसाइड करता है बॉडी और टिश्यूज की फंक्शनिंग के साथ में। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें पॉइंट ए है which is hemoglobin is almost 100% saturated in the system, arterial blood as no O2 has been unloaded to the tissues. सबसे पहले जो आपको दिखाया गया था उसके अंदर उस structure जो सबसे पहला point है उसका arrow आप अपने साथ में देखिए, उस arrow में आप देख रहे हैं कि hemoglobin के पास में 100% of oxygen है, मतलब वो fully loaded with the oxygen है। उसके बाद में आप point B पे देखते हैं, जैसे ही वो travel कर रहा है, when a person is resting, at the time जब person resting phase में है, HB unloads only about 25% of the O2 to the tissue and therefore HB in systemic venous blood is about 75% saturated. अगर person resting phase के अंदर है, उसका कोई hard work नहीं चल रहा है muscular, तो वो उस time में उसका 25% of oxygen ही अपने पास में unload करवाएगा, बाकी का नहीं करवाएगा। तो अब आप इसमें आपने हीमोग्लोबिन के पास में चार मॉलिक्यूल्स देखे, चारों के ऊपर ऑक्सीजन टंगी हुई देखी। अब चारों टंगे हुए ऑक्सीजन में से आपका जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब 25% ऑफ O2 जो था वो यूटिलाइज हुआ, मतलब एक मॉलिक्यूल यूज हो गया। ये चीज आपने देखा, ये चीज आपने जब देखा था तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का जो दिया हुआ है वहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वो 100% पे था, उसके बाद में वो 75% पे आ गया। अब जो थर्ड फेज आया इसके पास में, अगर वो तीसरा फेज आता है, व्हेन अ पर्सन एक्सरसाइज विग्रसली, जब एक पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, एचबी अनलोड मोस्ट ऑफ इट्स ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, इन सच केसेस द एचबी एंटरिंग वेनस ब्लड इज ओनली अबाउट 25% ऑफ सैचुरेशन। अब आप देखोगे कि 25% ऑफ सैचुरेशन आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि उसने अपना 75% ऑफ जो ऑक्सीजन लेवल था वो टिश्यूज के अंदर छोड़ दिया था। तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाता है इसके साथ में। और आप नीचे देख रहे हो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द ब्लड, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है जो ब्लड के अंदर, जैसे जैसे वहां पर कम होता जाएगा प्रेशर ब्लड के अंदर, तो O2 अपना एनवायरनमेंट से उसके अंदर चला जाता जाएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर अगर कम है तो वो उसके अंदर जा सकता है। अगले डायग्राम के अंदर आप जब देख रहे हो, अगले डायग्राम के अंदर इसी ग्राफ को आपको फिनोमिना के साथ में दिखाया गया है। अब ग्राफ के जो राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखो, उसमें आपके पास में एरिथ्रोसाइट है, हीमोग्लोबिन है, O2 है, जिसमें से एक O2 को टिश्यू की तरफ जाता हुआ दिखाया गया है। और उसके बाद में आप लोगों ने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ जो पार्शियल प्रेशर है उसके साथ में आपने देखा कि नॉर्मल जो सिग्मॉइड पैराबोलिक ग्राफ जो है वो बन रहा है। उसके नीचे आपने तीन फेजेस देखे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में आपको दिखाया गया है टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज रहता है, और जो
हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज रहती है. हाइड्रोजन प्लस कहाँ से आता है, जो कार्बोनेट का H2CO3 जब कॉम्बाइन होता है तो जो उसमें से HCCO3 एक तरफ रहता है और हाइड्रोजन अलग रह जाता है, क्योंकि यही जो हाइड्रोजन होता है वो आगे जाके H2O बनाता है. तीसरे फेज के अंदर आपने देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर जो CO2 का है वो इंक्रीज होता है, और इसी ग्राफ के अंदर हम लोग ये तीनों चीजें देख रहे हैं. जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज के अंदर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो O2 का लोडिंग होगा वो ज्यादा, मतलब अनलोडिंग होगा वो ज्यादा होगा, मतलब टिश्यूज जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन को लेंगे. अब आप इसमें से इजीली देख सकते हैं कि चारों मॉलिक्यूल्स खाए हुए हैं, अगर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोड़ता जा रहा है. अब उसने तीसरे फेज के अंदर उसने 3 मॉलिक्यूल छोड़ दिए, एक ही अपने पास में रखा, और जैसे ही उसका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रह रहा था तो वो भी ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहा है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही थी तो कार्बोनेट का जो H2CO3 का जो आयन था वो ज्यादा ब्रेक डाउन करा, क्योंकि उसको उसने एक्सरसाइज किया, तो उस टाइम में वो ओपन H1 रहा, H1 जो था, H+ जो था वो कॉन्सेंट्रेशन में हाई हुआ, और हाई कॉन्सेंट्रेशन होते ही उसने ऑक्सीजन को तोड़ना शुरू कर दिया. जैसे ही वो ब्रेकडाउन हुआ और ऑक्सीजन के लेवल जो है, ऑक्सीजन पहले 2 ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल हुए, फिर तीसरा भी हो गया. उसके बाद में हम लोग देखते हैं पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज होगा तो O2 का कम होगा, तो फिर क्या होगा, O2 निकलता जाएगा उसमें से, और उसी उस O2 की जगह जो छोड़ेगा वहां उस हीमोग्लोबिन के पास में CO2 जाके चिपक जाएगा. यही फिनोमिना आपको इसमें दिखाया टिश्यू और एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, कि टिश्यूज का जो CO2 था वो हीमोग्लोबिन के तरफ चला गया वहां पर जुड़ने के लिए, और वहां से O2 को भगा दिया, क्योंकि वहां पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर कम था. ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपका जो बॉडी के अंदर कब आपका एक्सरसाइज फिनोमिना और कब आपका नॉर्मल कंडीशन रहता है, तो कैसे आपका अनलोडिंग और लोडिंग जो है ऑक्सीजन का चलता है. इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम. अब हमारे पास में है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन एंड इफेक्ट्स ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर. ये जो तीनों चीजें हमने अभी ऊपर देखी थी कि कैसे कैसे फिनोमिना रहता है, उस फिनोमिना के बेसिस पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है. तो फर्स्ट वन है आपके पास में द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. पार्शियल प्रेशर ऑफ द सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में कैसे चलता है. अब आप देखोगे कि O2 का एक साइड में इसमें दिया हुआ है O2 का सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, और दूसरी तरफ दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ पीएच जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चल रहा है. तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि आपका जो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज रहता है, यानी कि इंक्रीज रहेगा, तो वहां पर आपका पीएच लेवल जो है वो 7.6 हाई रहेगा. जैसे जैसे पीएच लेवल डाउन आता जाएगा, यानी पीएच लेवल अगर आपका 7.4 आ जाएगा, वैसे वैसे ही आपका O2 सैचुरेशन जो है वो कम होता जाएगा. जैसे जैसे 7.2 पे आया वो और कम होता चला जाएगा. तीसरे सेकंड ग्राफ के अंदर आपको दिखाया गया है द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. पीएच का इफेक्ट दिखाया गया है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन देख रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर टिश्यू पार्शियल प्रेशर आपको दिखाया गया 20, 40, 60, 80, 100 तक. ये आपका जो सारी चीजें हैं लंग्स के अंदर और टिश्यूज के अंदर है. टिश्यूज में 40 तक रहता है, लंग्स के अंदर 100 तक चला जाता है. दूसरी तरफ आपके पास में O2 सैचुरेशन है. तो अब एक तरफ आप लोग जो सबसे ऊपर की तरफ दिखाया गया है, सबसे ऊपर आप देखोगे कि कैसे वो 20 से 15 तक आ रहा है. वॉल्यूम ऑफ O2 अनलोड हो रहा है टिश्यूज के लिए ताकि वो उसे ऑक्सीजन दे सके, और फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है जीरो की तरफ जब वो ज्यादातर दे चुका होता है. तीसरा जो आपके पास में ग्राफ है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा आपका जो O2 होता है वो अनबाइंड होता चला जाएगा. अब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर O2 MMHg में है और O2 का सैचुरेशन है. इसमें अगेन आप लोग देखोगे कि 10 फारेनहाइट डिग्री पे, 20 पे, 38 पे, 43 पे कैसे कैसे वो ऊपर गया. तो जहां पर ज्यादा था वहां पर जो कर्व था वो बिल्कुल ग्रीन कलर की लाइन आप देखोगे कि बिल्कुल कर्व जो था ऊपर से एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है वो और फारेनहाइट होके नीचे की तरफ आता जाता है और खींच खींच के नीचे की तरफ आता चला जाता है. क्योंकि जितना भी ज्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा आपका ऑक्सीजन जो लेवल है
वो उतनी ही जल्दी अनलोड करता जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन छूटती जाएगी। ये तीनों चीजें पहले आपको फिनोमिनास के अंदर दिखा दिया, अब आपको जो ग्राफ था उस ग्राफ के अंदर भी दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे चलता है। जैसे हमारे पास में O2 का ट्रांसपोर्ट चलता है, उससे थोड़ा अलग कार्बन डाइऑक्साइड का चलता है। क्यों? क्योंकि जो ये है ये प्लाज्मा के अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। तो आप सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय थ्री डिफरेंट मेथड। इसके अंदर तीन डिफरेंट फेजेस रहते हैं। फर्स्ट आफ्टर इन इरिथ्रोसाइट, सबसे पहले तो जो ये ब्लड के साथ में अटैच होता है वो। दूसरा है आफ्टर फॉर्मिंग द कार्बोनिक एसिड H2CO3, जिसकी फॉर्मेशन करता है उसके साथ में, विच इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के अंदर है और एक डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर रहता है। तो इन तीनों फेजेस के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन रहता है। हम लोग पहले देख चुके हैं कि 30-35% ये इतना ब्लड के साथ में चला जाता है, बाकी का जो है वो प्लाज्मा के अंदर कन्वर्ट रहता है। अब आप इसमें आप देखोगे कि आपको सबसे पहले दिखाया गया टिश्यूज के अंदर से CO2 बाहर निकल रहा था, और बाहर निकल के वो आपका ब्लड सेल जो था जो उसके साथ में आया RBCs के साथ में, तो उसने क्या किया, ब्लड के अंदर जो RBCs थी उसमें वाटर पड़ा था, उसके साथ में उसने रिएक्ट किया, CO2 प्लस H2O मिल के बना एसिड H2CO3, और उसके बाद में उसने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को खाली छोड़ दिया। दूसरे प्रोसेस के अंदर जो HCO3 जो था वो डिसॉल्व कर जाता है प्लाज्मा के अंदर एज अ कार्बोनिक एसिड, और तीसरी प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हो CO2 जो है वो प्लाज्मा के अंदर डायरेक्टली डिसॉल्व रहता है 7% तक। इन तीनों प्रोसेस के साथ में जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए। इस पिक्चर को आप जूम करके देखिए, इसमें द इवेंट्स दैट अकर एज ब्लड एंटर्स पेरिफेरल टिश्यूज इन विच द CO पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 mmHg। अब इसके अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसमें सबसे पहले आप देखोगे कि CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब CO2 जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर किस तरीके से आता है, CO2 हैज लिमिटेड सोल्युबिलिटी इन द प्लाज्मा एंड ओनली 7% रिमेन्स इन द सोल्यूशन। प्लाज्मा के अंदर लिमिटेड टाइप का ही जाएगा, उसके बाद में 93% जो है वो RBCs के अंदर जाएगा, लेकिन RBCs के अंदर भी वो कार्बोनेट के अंदर एसिड के अंदर फॉर्मेशन होता है और प्लाज्मा में डिसॉल्व करता है। अब RBCs के अंदर डिफ्यूजेस होता है 93% का। अब उसमें आप देखोगे कि मेजर जो है 70% मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड रफली 70% इज कन्वर्टेड टू द कार्बोनिक एसिड एंड थ्रू द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो 70% है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन के ड्यूरिंग चलता है आपका, और बाकी का बचा हुआ 23% है वो RBCs के साथ में डायरेक्टली अटैच होते हैं। अब जो आपका कार्बोनिक एसिड है, द कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू अ हाइड्रोजन आयन एंड अ बाइकार्बोनेट आयन, दैट नेट रिएक्शन इज H2CO3 टू है, वो ब्रेक डाउन होता है, H+ अलग हो जाता है, HCO3 अलग हो जाता है। तो HCO3 जो है उसका फर्दर रिएक्शन आप देखोगे, द बाइकार्बोनेट आयन मूव्स इनटू द सराउंडिंग प्लाज्मा विद द एड ऑफ काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट एक्सचेंज इंटरसेलुलर बाइकार्बोनेट आयन HCO3 फॉर एक्स्ट्रासेलुलर क्लोराइड ions and chlorine, the exchange which trades one ion for another does not require ATP. The result is mass movement of the chloride ion into the RBC, an event known as chloride shift. Chloride shift एक phenomena है। इस phenomena के अंदर क्या होता है, आपका जो bicarbonate ion जो आपके पास में ऊपर से आया था H2CO3 के breakdown होने के बाद में HCO3 का जो ion आया था वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर से जो टिश्यूज के साथ में क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन के साथ में एक्सचेंज कर जाता है, और उसमें क्लोराइड आयन एक्सचेंज हो जाता है और यहाँ से एक जो H+ का मॉलिक्यूल है वो फ्री कर देता है, और वो मॉलिक्यूल फ्री होने के बाद में फर्दर एक्शन के अंदर चला जाता है। फर्दर एक्शन में कहाँ जाएगा, RBCs वाले के अंदर। अब आप दूसरी तरफ का पार्ट देखो, रफली 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द ब्लड इज बाउंड to the globular protein portion of the hemoglobin,
हीमोग्लोबिन के साथ में सिर्फ 23% ऑफ द CO2 अटैच रहता है एंड दीज CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिवर्सिबली अटैच टू द एक्सपोज अमीनो ग्रुप ऑफ द HB मॉलिक्यूल एंड द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज कंबाइंड कॉल्ड बाय कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करने के बाद में जैसे हमारा मेन मॉलिक्यूल ऑफ जो हीमोग्लोबिन था उसके अंदर ज्यादा वो CO2 को अटैच करता था, लेकिन CO2 को जैसे ही उसका प्रेशर इंक्रीज रहता है तो वो 23% ऑफ द CO2 अपने साथ में बिठा लेता है और उस बैठी हुई को कहेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आयन बाइंड्स टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग HbH। ज्यादातर जो H+ आयन जो फ्री हो रहा था वो उसके साथ में अटैच रहता है एंड The HB molecules does function as a pH buffer. जो हमारे ब्लड के अंदर pH है उस pH को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना pH buffer की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट रहती है एंड ट्राइंग अप द रिलीज हाइड्रोजन आयन बिफोर द आयन कैन लीव द RBC एंड लोअर द प्लाज्मा। जैसे ही हमारा प्लाज्मा का pH कम होता है RBC जो है वो उस आयन को लूज कर देती है और वो बाहर की तरफ चला जाता है टिश्यूज के साथ में। इस तरीके से टिश्यू जो है वो अपना काम कर लेते हैं, RBCs अपना काम कर लेती हैं, हीमोग्लोबिन अपना काम कर लेती है और इन सब का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन किसका करना है इनको, अभी हम लोगों ने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि वो तीन मेथड से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आया था। एक तो डायरेक्टली जब वो हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ, एक वो जब वो कार्बोनेट का बनता है और एक वो जब वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। इन तीनों फेजेस से वो आगे चला और इन्हीं तीनों फेजेस से वो बाहर निकलता है। आगे आप देख रहे हो हाइपरबारिक चैम्बर। ये जो चैम्बर्स होते हैं ये ट्रीटमेंट के टाइम में यूज होते हैं जब आपके पेशेंट्स जो होते हैं उनको O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं चल रहा होता, उस टाइप के अंदर हाइपरबारिक चैम्बर्स का यूज करते हैं। उसके बाद में आपके पास में है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। अब रेगुलेशन हमारे पास में आता है रेस्पिरेशन का कि हमारे पास में हमारा जो ब्रेन है, हमारे पास में हमारी बॉडी के जो मेजर फंक्शंस होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको छोड़ दिया जाए अगर, तो उसके बाद में हमारे पास में जितने भी फंक्शन है वॉलेंट्री फंक्शंस है और वो हमारे ब्रेन जो है उनको किस तरीके से रेगुलेट करता है, कौन से स्टिमुलाय वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस टेक प्लेस होती है। अब आप रेगुलेशन के अंदर आप देखोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट डायग्राम को जूम करिएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। आपने फर्स्ट डायग्राम को जूम करा, आपने ब्रेन का पार्ट, ब्रेन हमारा जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है और उसके अलावा भी इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। जो नीचे के पार्ट्स हैं हमारे पीछे के वो पे वहाँ पर आपका पोन्स और मेडुला पार्ट है। अब उस पार्ट के अंदर हमारा जो क्या फंक्शन चल रहा है जिससे हमें स्टिमुलाई मिलेगा वो आप सेकेंड डायग्राम के अंदर जो एक बॉक्स के अंदर है उसमें आप देखोगे कि पोन्स के अंदर हमारे पास में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की फॉर्मेशन रहती है मेडुला के अंदर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपिनियोसैक्टिक सेंटर जो कि पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर आते हैं, वहां से आपका डोर्सल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है वो स्टिमुलाई प्रोवाइड करवाता है। एक तरफ से आपका पॉजिटिव स्टिमुलाई, एक तरफ से आपका नेगेटिव स्टिमुलाई है। जो जो सब तरफ से आता है आपका पॉजिटिव स्टिमुलाई वो इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के पास में जाता है जो कि एक्सपिरेटरी रेस्पिरेटरी मसल्स का फंक्शन का काम करती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हमारे पास में लंग्स के ऊपर जो हमारा रिब केज है उस पे अटैच रहती हैं और डायफ्राम के पास में जाती हैं और डायफ्राम के पास में जाने के बाद में वो फंक्शन करती हैं। तो ये ट्रैवलिंग पाथवे है जो आपका स्टिमुलाई है वो किस ट्रैवलिंग पाथवे से आपके पास में डायफ्राम की मसल्स के पास में और जो इंटरकोस्टल मसल है उनके पास में स्टिमुलाई आता है। सेकेंड जो दूसरी तरफ का आपका डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर आप एग्जैक्टली देखिए पोन्स और मेडुला का फॉर्मेशन दिखाया गया है। वहां पर आपका दो सिस्टम बनते हैं, एक तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दोनों ग्रुप जो है ये स्टिमुलाइज देते हैं। जो डोर्सल ग्रुप का स्टिमुलाई है वो स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल स्पाइनल के पास होता है।
स्पाइनल कोर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ट्रैवलिंग का पाथवे वहां से चलता है, और रीढ़ की हड्डी से जो निकलने वाले पाथवे होगा वो न्यूरोलॉजी मतलब जो नर्व्स जो काम करेंगी वो फंक्शन करेंगी। तो स्पाइनल कोर्ड के पास में आया, फिर सर्वाइकल जो हमारा नेक के पास की जो रिब है उससे निकलने वाली जो हमारी नर्व्स होंगी वो सारा हमारा लंग्स के फंक्शंस को देखती हैं और उसी फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। तो वो सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स होंगी उसमें आपका फेरेनिक नर्व जो है सर्वाइकल नर्व्स के अंदर, सर्वाइकल हमारे बॉडी के अंदर 32 टाइप की स्पाइनल कोड के अंदर सेगमेंट्स रहते हैं। सर्वाइकल थोरेसिक नर्व मतलब 7 सर्वाइकल नर्व्स रहती हैं, फिर थोरेसिक नर्व्स रहती हैं, उसके बाद में आपका लंबर रहता है, उसके बाद में सैक्रम रहता है। ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो आपका सर्वाइकल है, और सर्वाइकल के अंदर से जो नर्व निकलती है फेरेनिक नर्व, वो नर्व जो है वो डायफ्राम के ऊपर एक्ट करती है। उसी नर्व के फंक्शन से आपका डायफ्राम जो है वो ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर में आता है और फ्लैटन स्ट्रक्चर में आता है। वो नर्व जो है वो उसे स्टिमुलाई प्रोवाइड, और वो नर्व कहाँ से आती है, डोर्सल रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस से आती है, ग्रुप से आती है, जो कि आपका मेडुला में है। दूसरा जो आपका है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल ग्रुप जो है वो आपका सिग्नल्स देता है और वो जाता है आपका थोरेसिक स्पाइनल नर्व के पास में। जो सबसे ऊपर आपके पास में आया था सर्वाइकल, उसके बाद में आया था थोरेसिक। अब थोरेसिक के पास में जो आपका आया है उससे आपका थोरेसिक स्पाइनल न्यूक्लियस के पास में से आपकी नर्व्स आती हैं, और वो नर्व इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। जैसे आपका रिब केज बना होता है उनके बीच में आपका इंटरकोस्टल मसल्स रहती है, उन मसल्स को रेगुलेट करने के लिए इंटरकोस्टल नर्व्स आती हैं जो कि उनको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के स्टिमुलाई देती हैं। जैसे ही आपके पास में फेरेनिक से सिम्टम्स आए, फेरेनिक नर्व के अंदर आपका स्टिमुलाई आया तो आपका डायफ्राम मूवमेंट किया, और जैसे ही आपका इंटरकोस्टल नर्व से मतलब वेंट्रल सिस्टम से इंटरकोस्टल नर्व के पास में स्टिमुलाई आया, आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है उन्होंने काम करना शुरू किया, और आपका इंस्पिरेशन और फोर्स्ड एक्सपिरेशन दोनों काम स्टार्ट हो गए। ये जो फिनोमिना था ये न्यूरल कंट्रोल ऑफ द बेसिक पैटर्न था वेंटिलेशन का। जैसे आपका हवा का अंदर जाना और बाहर आने का जो फिनोमिना है, ये जो मसल्स कैरी करती हैं इनके अंदर जो फंक्शन था ये स्टार्ट रहता है। ये कौन रेगुलेट करता है, मेडुला और कॉन्स रेगुलेट करते हैं। इनमें दो सिस्टम है, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दोनों जो ग्रुप है ये मिलकर काम करते हैं, और ये दोनों ग्रुप जो है वो नर्व्स की स्टिमुलेशन का काम करते हैं। और ये नर्व्स जो है वो कहाँ से आती है, आधी जो आती है वो सेंट्रल से आती है सर्वाइकल से, और बाकी की जो आती है वो थोरेसिक से आती है, और वो जाकर थोरेसिक वाली इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पे काम करती है, और जो फेरेनिक नर्व सर्वाइकल से आती है और वो जाके सीधा डायफ्राम पे काम करती है, और ये फंक्शन करके आपका एक्सपेंडिचर और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लंग को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आप देखिए response to increased arterial pressure of CO2 and H plus concentration by a negative feedback loop. Feedback loop के अंदर अगर हमारे पास में partial pressure of CO2 को exchange करना है, उस process के अंदर क्या चलेगा आपके पास में? सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जो सबसे पहला diagram है वो effector और response है। इसके अंदर VRG, VRG जो system है हमारे पास में ventral respiratory group, उसकी तरफ से आया हुआ ट्रिगर है हाइपर वेंटिलेशन एंड एडिशनल CO2 लॉस। हाइपर वेंटिलेशन एंड एडिशनल CO2 लॉस मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपका CO2 है वो लूज कर जाएगा, यानी कि उसको बाहर की तरफ निकालना है, यानी बाहर भेजना है। इस प्रोसेस के अंदर आप देखिए सबसे पहले एरो लगा हुआ है इन हीमोस्टेटिक रेंज। सबसे पहले नॉर्मल रेंज के अंदर क्या काम चल रहा है, जैसे आपने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H प्लस आयन रिटर्न टू नॉर्मल, फीडबैक ऑफ डिक्रीज VRG स्टिमुलेशन। जैसे ही आपके पास में नॉर्मल स्टिमुलाई का मैसेज आया कि आपका जो PCO2 और H plus आयन जो है वो नॉर्मल स्टेट में है, तो यहाँ से एक फीडबैक जाएगा जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास में जाएगा और स्टिमुलेशन को नॉर्मल करेगा। ये नॉर्मल रेंज में चलेगा। अगर मान लो कि वो अपर रेंज में जाए तो ऊपर का काम होगा जिसमें PCO2 एंड H plus आयन इंक्रीज है अबव देयर नॉर्मल रेंज, ज्यादा अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, तो वो स्टिमुलस बनता है, और वो स्टिमुलस जो है उसको रिसेप्ट कौन करेगा, उसको रिसेप्ट करेगा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट इंक्रीज इन PCO2। जैसे ही आपके रिसेप्टर को पता चला कि यहाँ पर
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा था, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा होते ही वो कंट्रोल सेंटर के पास में मैसेज करेगा और कंट्रोल सेंटर जो है कीमोरिसेप्टर्स रिलाय इंफॉर्मेशन टू द DRG और ये रिस्पॉन्स जो है ये DRG यानी कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के पास में मैसेज करेगा जो कि स्टिमुलस को आगे कहाँ देगा, वेंट्रल के पास में देगा। वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ग्रुप के पास में जब मैसेज जाएगा तो वो ऊपर से लंग्स के अंदर CO2 को बाहर निकालने का इफेक्ट शो करने लगेगा क्योंकि वेंट्रल वाले का फंक्शन जो था वो थोरेसिक कैविटी के साथ में था और डॉर्सल वाले का जो फंक्शन था वो डायफ्राम के साथ में था, फेरेनिक था। तो इस तरीके से उसने अपना फंक्शन प्ले किया कोऑर्डिनेशन के साथ में और वो CO2 जो था वो बाहर निकल गया क्योंकि अंदर जो ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो गया था, नॉर्मल लेवल पे था तो उसने कुछ नहीं बोला, जैसे ही वो इंक्रीज हुआ उसने रिसेप्टर चेंज किए, वो DRG के पास में चला गया डॉर्सल के पास में और डॉर्सल वाले ने वेंट्रल को स्टिमुलाई किया और वेंट्रल वाले ने लंग्स के इंटरपोस्टल और एक्सटर्नल इंटरपोस्टल मसल्स को सप्लाई किया कि तुम लोग अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ ताकि जो CO2 है वो बाहर निकल जाए। इस तरीके से आपका CO2 बाहर निकल गया। अब आप दूसरा पिक्चर देखोगे, दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं, एक मिनट, दूसरा पिक्चर आप देखोगे, रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज्ड आर्टियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर आपका डिक्रीज हो जाए CO2 का लेवल, H+ कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिव फीडबैक में चल जाए तब क्या होगा? अगेन इसी प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे इसी प्रोसेस में आप इफेक्ट और रिस्पॉन्स देखेंगे कि वेंट्रल जो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी ग्रुप है DRG ये ट्रिगर करता है हाइपरवेंटिलेशन के लिए एडिशनल CO2 रिटेंट के लिए। अब आपके पास में CO2 एडिशनल किस तरीके से बाहर आएगी? सबसे पहले आप देखते हैं कि हीमोस्टेटिक रेंज के अंदर जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ रिटर्न टू नॉर्मल, यहाँ पर कोई सिग्नल एक्शन के लिए नहीं जाता, नॉर्मल रहता है। जैसे ही वो रेंज से डाउन हुआ, जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हुआ और H+ आयन डिक्रीज हुए बिलो द नॉर्मल रेंज, उन्होंने अपना स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलाई रिसेप्टर के पास में पहुंचकर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के पास में आया और वहां से वो डिक्रीज करता है CO2 और H+ आयन के लेवल को और फिर उसके बाद वो कंट्रोल सेंटर के पास में मैसेज करता है और कंट्रोल सेंटर जो है वो कीमो रिसेप्टर रिलाय इन इंफॉर्मेशन टू द DRG। कीमो रिसेप्टर जब आपके पास में इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे तो वो डॉर्सल के पास में जाएंगे DRG के पास में विच स्टिमुलेट द DRG जो कि स्टिमुलेट करता है वेंट्रल को और वेंट्रल को स्टिमुलेट करते ही वो लंग्स को ये ऑर्डर देते हैं कि अब वो CO2 को बाहर की तरफ ले सकते हैं। अब दो कंडीशन आई थी, एक वो जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, एक वो कंडीशन जो आप नॉर्मली एक्सपायर करते हैं। ये नॉर्मल के अंदर आपका आ गया। उसके बाद में आप लोग ये देख रहे हैं कि हर्ट के अंदर किस तरीके से सिस्टम चल रहा था हमारा, रोल ऑफ द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर इन रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट के अंदर किस तरीके से आपका रिसेप्शन चलता है, सबसे पहले आपका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सिस्टम्स हैं, जहां से सबसे पहले आप देखोगे नीचे से स्टार्ट करना है इस डायग्राम को। आप हर्ट के अंदर देखोगे कि एओर्टिक बॉडीज हैं और यहां से जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जो आपकी गले के पास में से निकलती हैं, ये आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही थी तो उनको स्टिमुलस कहाँ से आ रहा था? स्टिमुलस आ रहा था उनको DRG और DRG से, जो कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, वेगस नर्व है। वेगस नर्व जो आपका सर्वाइकल नर्व नंबर 10 है और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो सर्वाइकल लेवल 9 का नर्व है। ये दोनों नर्व जो है ये स्टिमुलाई लेकर आती है DRG और DRG से और उसके आने के बाद में जो आपका कैरोटिड आर्टरीज है, बॉडीज है, वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर ट्रेवल करके ये रोल चलता है। ये इस डायग्राम को दिखाने का मतलब ये है कि कैसे आपका ब्रेन जो है वो स्टिमुलाई भेजता है हर्ट की तरफ और हर्ट जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवलिंग करवाना शुरू कर देता है पंपिंग के साथ में। वो कैसे उनको स्टिमुलाई मिलते हैं DRG और DRG वेंट्रल से और डॉर्सल सिस्टम से। अब है जो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस समराइज समरी आप देख लीजिएगा। कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव टू द pH पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 एंड द ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अल्टर द एक्टिविटीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर जो pH लेवल है
या फिर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का या CO2 का, इन दोनों को सेंस करते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आपका एक्टिविटीज को अल्टर करता है कि कब किस चीज को कम करना है और कब किस चीज को ज्यादा करना है। देन हमारे पास में है बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर जो है वो एओर्टिक और कैरोटिड साइनस जो है सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए ब्लड की प्रेशर को उसमें फंक्शन करते हैं और रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज करते हैं एक्टिव होने के लिए कि कब उनको प्रेशर जो है वो कम करना है और कब उनको प्रेशर जो है ज्यादा करना है। उसके बाद में हमारे पास में है स्ट्रेच रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्सेस। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये काम करता है लंग की वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के अंदर। इरिटेटिंग फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई इन द नेसल कैविटी लैरिंग्स और ब्रोंकियल ट्री इनिशिएट प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स सच एज द कफिंग और स्नीजिंग। और जैसे ही हमारे पास में कोई इरिटेटिंग एजेंट पहुंचता है तो ये आपके रिफ्लेक्सेस शो करते हैं जिसमें आपका कफिंग और स्नीजिंग आता है। लास्टली आप देखिएगा स्टिमुलाई, देखिए सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स के साथ में आपके स्टिमुलाई है वो जैसे कि आपका इमोशन, दूसरा है चेंज इन द एट्रियल प्रेशर जैसे कि PCO2 या H+ कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा है चेंज इन द एट्रियल प्रेशर ऑफ O2। अब सबसे पहले कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि वॉलेंट्री एक्शन है, कंट्रोल होता है और इफेक्ट कहाँ आता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मेडुला और पॉन्स के पास में। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग इमोशन के साथ में सेफ, और अगर कोई रो रहा है, रोते हुए अगर वो ब्रीदिंग कर रहा होता है तो उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और वो ज्यादा मतलब मुंह खोल खोल के या ज्यादा जोर जोर से सांस लेने में लग जाता है अगर वो इमोशन ऑफ क्राइंग के अंदर चल रहा होता है। उसके अंदर आपका जो इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन है वो वेरी करता है कि आपका जो सांस लेने की प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाएगी, या फिर अगर आप योग जैसा या फिर मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के जैसा कोई काम कर रहे हैं तो आपका जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा चलता है चेंज इन एट्रियल और प्रेशर, एट्रियल पार्शियल प्रेशर जो CO2 और H+ आयन का है, ये भी अगेन आपका सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर का जो फंक्शनल एरिया है अगेन वो भी मेडुला और पोन्स के अंदर आता है और ये क्या करते हैं, ये हाइपर वेंटिलेशन मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ फंक्शन का करवाते हैं व्हेन PCO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड हाइपोवेंटिलेशन PCO2 एंड H+ आयन डिक्रीजेस। ये स्टिमुलाई देते हैं DRG को और फिर BRG को कि वो जो है सिस्टम को रेगुलेट करें और CO2 को बाहर निकालें। तीसरा है चेंज इन द एट्रियल PO2, जो एट्रियम जो हार्ट का सिस्टम है वहां पर O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, अगर उसमें चेंजेस आए तो वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो अगेन आपके ब्रेन के पास में जाते हैं और वहां से स्टिमुलस लेके वो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं और आरटीएल के अंदर PO2 को डिक्रीज करने के लिए वो टिश्यूज के अंदर O2 को छोड़ देते हैं। इस तरीके से आपका जो इफेक्ट हुआ वेंटिलेशन पे ये आ जाता है। इस पूरे अब हम ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें आपने कंप्लीटली ये देखा कि कैसे आपके पास में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आपने गेन किया, कैसे ब्लड के अंदर गया, किस तरीके से वो ब्लड से शिफ्ट होकर टिश्यूज के पास में गया, वहां से उसने CO2 कैसे शिफ्ट किया, कैसे क्लोराइड शिफ्ट हुआ और वहां से वो वापस बाहर निकलने के लिए कैसे प्लाज्मा या फिर कार्बोनेट या फिर नॉर्मल उसमें HbCO2 बन के बाहर की तरफ आया और कैसे वो एनवायरनमेंट के अंदर वापस CO2 बाहर छोड़ देता है और कैसे हमारे ब्रेन ने फंक्शनलाइज किया और फंक्शन करते हुए उसने ब्रेन ने सिम्टम्स दिए, सिग्नल्स दिए अपने DRG और BRG को और ताकि वो उस सिस्टम को देख सके। अभी हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अभी सिस्टम के कम्प्लीशन पे आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है तो हम लोग उसको भी कैप्चरेट कर देते हैं। बताओ वर्षा साहित्य, आर्यन मैम को क्लास में वगैरह करते हैं क्या, जो ये टॉपिक आज आपने पढ़ा है इसको क्लास में पढ़ा जाता है? मैंने मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, जो ये टॉपिक मैंने आज पढ़ाया वो अगर क्लास में होना चाहिए ये टॉपिक, मतलब यहाँ बहुत कम समझ में आ रहा है अगर क्लास में।
अरे तो आप भी बताओ ना, आई एम हियर फॉर यू. क्या नहीं समझ में आया, मतलब इसमें आप अगर दोबारा एक बार आप रीड करोगे ना, ये जैसे फर्स्ट टाइम हम देखते हैं तो हमें याद नहीं रह पाता है कि जो हमारा CO2 था वो कहाँ पे पार्शियल प्रेशर के साथ में आया और उसने इंक्रीज किया, या फिर अगर ये इंक्रीज हुआ और H प्लस आयन इंक्रीज हुआ तो कब डिक्रीज हुआ. ये एक बार जैसे हम, जैसे मुझे अभी याद हो जाता है कि अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसको डिसोसिएट होना है, अगर ये pH जो इंक्रीज हुआ है तो जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे लैक्टिक एसिड होगा, एसिड होगा मतलब pH लेवल जो है वो 7 नॉर्मल pH लेवल है उससे कम की तरफ जाएगा या ज्यादा की तरफ जाएगा. जैसे जैसे वो ज्यादा की तरफ जाएगा वो बेसिक होता चला जाएगा, कम की तरफ जाएगा तो एसिडिक होता चला जाएगा. अगर pH लेवल कम की तरफ जाएगा तो फिर उसको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेगा. तो ये फंक्शनल एबिलिटीज के साथ में आपका चेंज होता जाएगा. जैसे आप उसको एक बार या दो बार घर पे अपना पढ़ोगे तो आपको भी ये चीज मतलब रिटेन हो जाएगी कि अच्छा ये लेवल बढ़ा, ये लेवल बढ़ते ही आपका ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर टिश्यूज के अंदर आ गया, अच्छा ये लेवल घट गया, घटते ही उसने स्टिमुलाई दिया और ये लेवल जो है ब्लड के अंदर आ गया. तो इस तरीके से आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा. ये एक या दो बार में पढ़ोगे ना तो आपको रिटेन हो जाएगा कि कौन सा लेवल बढ़ने के बाद में कौन सी चीज जो है वो शिफ्ट करती है. इसी में प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, यही ऐसा लग रहा होगा कि ये समझ नहीं आ रहा है ये डॉक्टर. यस मैम. हाँ तो ये एक ही या दो बार आप जब रीड आउट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम. आप मतलब जैसे ही आपने देखा कि किस चीज का पार्शियल प्रेशर कम हुआ, कहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ, और ये होते ही आपके साथ में क्या फिनोमेना हुआ. ये आप डेली एक्टिविटीज में भी देख सकते हो कि अगर आप एक्सरसाइज या फिर आप जनरल स्पीड में वॉक कर रहे हैं तो आप देखोगे आपका बॉडी हीट होता है. और जैसे ही आपका बॉडी हीट हुआ मतलब आपका टेम्परेचर राइज अप हुआ, जैसे ही आपका टेम्परेचर राइज हुआ तो आपके टिश्यूज की जो डिमांड थी वो O2 की बढ़ गई और उन्होंने हीमोग्लोबिन से O2 ज्यादा दे दी. तो ये जैसे आप फंक्शन करोगे आपको उसके साथ साथ में पता चलता जाएगा कि इस टाइम में हमारी बॉडी की डिमांड जो है O2 की बढ़ जाती है. आप रेस्टिंग फेज में या सिटिंग फेज में स्लीपिंग फेज में रहोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो कम है O2 की, आप बहुत तक ब्रीदिंग कर रहे हो. आवाज में प्रॉब्लम आ रही है वर्षन, क्या हुआ? यस मैम, कट कट के आ रही है. अभी नॉर्मल आ रही है? हाँ अब सही है. चलो और बताओ और क्या प्रॉब्लम आ रही है. मैम क्लोराइड शीट थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे. क्लोराइड शिफ्ट जैसे हमारी ब्लड के अंदर हमारा क्लोरीन जो HCl है वो ट्रेवल करता रहता है, और जैसे ही हमारा जो कार्बोनेट का आयन जो था H2CO3 का, H2CO3 से वो ब्रेक डाउन होकर HCO3 में बना, एसिडिक फॉर्म में आया. तो उस फॉर्म में आने के बाद में वो HCO3 के ऊपर माइनस का चार्ज था, वो चार्ज आपके जो ब्लड के अंदर क्लोरीन ट्रेवल कर रहा था उसके साथ में मिक्सअप होता है. मैं आप चाहो तो क्या मैंने स्लाइड बंद कर दिया, आपको दिखाई दे रही है स्लाइड? मैं स्लाइड दिखाई दे मेरी है ना, रुको मैं उसमें स्पेस पे दोबारा जाती हूँ.
ध्यान से देखो जरा कौन सी स्लाइड में है। तो इसी वाले से देखते हैं। जैसे आप लोग इसमें आपको तीनों चीजें दिख रहे हैं ना कि CO2 जो था वो H2O के साथ में H2CO3 बना और CO2 जो था वो RBCs के साथ में आया, HCO3 जो था वो प्लाज्मा के साथ में चला गया और उसके बाद में जो CO2 था वो डिसॉल्व कर गया 7% प्लाज्मा के अंदर। जो क्लोराइड है वो हमारा नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर ट्रेवल करता है, उसके अंदर ही रहता है क्लोरीन जो लेवल का। जैसे ही हमारा क्लोरीन जो है वो शिफ्ट होता है, मतलब अपलोड होता है उसके ऊपर, जिस तरीके से आपका जो H2CO3 का जो आयन बना हुआ था वो ब्रेक डाउन होता है HCO3 के साथ में और H+ उसके साथ में अलग से निकलता है और यहाँ से HCl जो था वो ब्रेक डाउन होकर CO क्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और H+ जो आयन है वो उसका खाली छोड़ देता है और ये जो आयन H+ के अलग अलग डिसोसिएट हुए मतलब तैर रहे होते हैं तो ये जो लेवल है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का इंक्रीज कर देते हैं। जब ये H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तब आपके पास में स्टिमुलाई जाता है कि जो CO2 लेवल है वो ब्लड के अंदर जाता हो गया है और उसको आप कम करना है। उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसको आप हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच करवा देंगे और उसको ट्रेवल करवाते हैं और उसके बाद में वो बाहर की तरफ जाता है और वहां से O2 का जो लेवल है उसको अंदर की तरफ लेकर आते हैं और वो अंदर की तरफ आता है। आया बात समझ में? क्वेश्चन था भी ठीक है। आपको अगर इसमें और भी आप अगर इसको रीड आउट करोगे डीपली तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं लेगी। इस वाले डायग्राम में चलते हैं। देखो आपने HCO3 जहाँ से आप सबसे नीचे वाले लास्ट स्टेप के अंदर देखोगे, जैसे ही आप HCO3 फ्री आयन आया जो प्लाज्मा के अंदर क्लोरीन था वो अंदर चला गया और HCO3 जो था वो बाहर आ गया। कार्बोनेट का जो आयन था वो मूव इनटू द सराउंडिंग प्लाज्मा, प्लाज्मा में आया विद द एड ऑफ काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जिसमें दोनों का एक्सचेंज मैकेनिज्म आता है। एक्सचेंज इंट्रासेलुलर बाइकार्बोनेट आयन Cl के साथ में जो एक्स्ट्रा सेलुलर था Cl वो अंदर चला गया और वो बाहर आ गया। दिस एक्सचेंज जो है वो आपका विदाउट एटीपी की उस रिक्वायरमेंट के, मतलब बिना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट के आपका जो चेंज हो गया और वो Cl जो था वो अंदर चला गया और HCO3 था वो बाहर आ गया। इसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, यस ओके। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ठीक है, मैं लेक्चर क्लोज करूं, फिर थर्सडे को मिलते हैं। ठीक है मैम। और आई होप कि आप इसको थोरोली पढ़ लेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके मैम। गुड आफ्टरनून, टेक केयर, स्टे सेफ।